बहुत आदमी हमारा के ज्ञान देता कि भैया गांधी मैदान में बड़का जन सैलाब वाला रैली करी। हम आपको बता रहे हैं कि गांधी मैदान में रैली करे से बिहार ना सुधरी। कितना रैली हो गई गांधी मैदान में रैली करने से समाधान नहीं निकलेगा। लोग मुझे कहते हैं कि आप 100-200 लोगों के साथ पैदल चलकर क्या कर लीजिएगा, तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि आप गांधी मैदान में बड़ी बड़ी रैली करके क्या कर लिए हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। दरअसल हम आपको बता दें कि ये जो सारा बयान है वो प्रशांत किशोर की तरफ से आया है। जन सुराज पद यात्रा में निकले प्रशांत किशोर ने ये बात कही है। आपको बताते चलें कि राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोगों से अपील की है कि गांधी मैदान की बड़ी बड़ी रैलियों से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ काई चढ़ गया है जिसे धोना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि जितनी भी रैलियां की जा रही हैं उससे क्या कुछ हो रहा है। मैं इतने किलोमीटर तक चल रहा हूं, पैदल यात्रा कर रहा हूं, गांव गांव जिले जिले में जाकर लोगों की समस्याओं को देख रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बड़ी रैली करने से मतलब नहीं है। मुझे बिहार के विकास के लिए, बिहार की लोगों की जो तकलीफ है उसका समाधान करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। क्या कुछ प्रशांत किशोर कह रहे हैं, पहले आप उनकी पूरी बातों को सुनिए। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये कठिन काम है, बिहार के गांव गांव जाकर लोगों को समझाना ये आसान काम नहीं थे। 172 दिन से हम पैदल चलता नहीं, अभी पांचे को जिला भइल बा, 35 जिला जाइल बाकी बा, 1-1.5 बरिस चलो, घर परिवार सब छोड़ के 10-20 आदमी के संगे पैदल पैदल काहे चलता नहीं। बहुत आदमी हमारा के ज्ञान देता कि भैया गांधी मैदान में बड़का जन सैलाब वाला रैली करी। हम आपको बता रहे हैं कि गांधी मैदान में रैली करे से बिहार ना सुधरी। कितना रैली हो गई, आपके दिमाग पर जो काई जमी हुई है जाति का धर्म का, इतना मोटा काई जमा दिया है यहाँ का नेता सब कि आपको अपने बच्चों का दर्द भी नहीं समझ में आ रहा है। तो काई फर्श पर जम जाता ओकरा के आदमी कैसे छोड़ावेला, बैठ के ईटा से झाड़ू से रगड़ के धीरे धीरे छोड़ावे के पड़ी। जन सुराज पद यात्रा के दौरान सारण के अमनौर में आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम बिहार के गांव गांव जा रहे हैं, यहां एक दिन का काम नहीं है और न ही आसान काम है। पिछले 177 दिनों से पैदल चल रहे हैं, अभी केवल 5 जिले हुए हैं और 33 जिले बाकी रह गए हैं। इसमें 1 से 1.5 साल का समय लग जाएगा। लोग कहते हैं कि 100-200 लोगों के साथ पैदल चलने से क्या होगा। गांधी मैदान में बड़े जन सैलाब वाली रैली करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं उन लोगों को कहता हूं कि गांधी मैदान में रैली करने से बिहार की स्थिति नहीं सुधरेगी, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने अपने दिमाग पर जो जाति और धर्म की काई जमा दी है वो इतनी मोटी है कि उसकी वजह से आपको अपने बच्चे का दर्द भी नहीं दिखाई देता है। फर्श पर जमी हुई काई को छुड़ाने के लिए झाड़ू से रगड़ना पड़ता है। उसी तरह गांव गांव जाकर आपको समझा रहे हैं कि रैली नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है जनसभा को संबोधित करते हुए कि जो बड़े बड़े नेता जन सैलाब रैली करते हैं, इससे लोगों के जो दिमाग पे जाति और धर्म की जो काई जमा रखे हैं उसे किस तरीके से छुड़ाना होगा। अगर काई को भी छुड़ाना रहता है तो उसे झाड़ू से रगड़ रगड़ कर छुड़ाना पड़ता है, लेकिन आपको धर्म और जाति की राजनीति के आगे अपने बच्चे की जो दर्द है वो दिखाई नहीं पड़ती है। और मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये रैली नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सही समस्या है मैं उसके लिए गांव गांव जिले जिले में जाकर लोगों से बात कर रहा हूँ। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।